खतरनाक तरीन सवाल लेकिन इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन 4 का पार्ट 1, साइन इनवर्स 77/85 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू 87/425। अब कैसे करेंगे, देखो ए को मान लेंगे, ये जो साइन इनवर्स 77/85 है ना इसे ए मान लो, ठीक है, तो साइन ए हो जाएगा 77/85। अच्छा एक काम और, इसको मानेंगे ए और ये जो एक्सप्रेशन है ना ये वाली साइन इनवर्स 3/5 इसको बी मान लेंगे, इसका मतलब है लेफ्ट पे ए प्लस बी है और फिर हम एक नया वेरिएबल ले लेंगे जेड जो कि ए प्लस बी के बराबर होगा, ठीक है। अब करना क्या है, देखो हमने ना इसके बाद इसको सॉल्व करना है फर्दर, तो ए अगर साइन इनवर्स 77/85 है तो साइन ए हो जाएगा 77/85, हमें पता है कि साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर 1 के बराबर होता है, तो कॉस स्क्वायर है 1 माइनस साइन स्क्वायर है हो जाएगा, इसका मतलब है कॉस स्क्वायर है 1 माइनस 77/85 हो जाएगा। भाई वैल्यू पुट करते हैं ना, अब इसको जब सॉल्व करेंगे पूरा तो खाली कॉस है 36/85 आएगा। अब इसी तरह मैंने कहा इसको बी को मान लो, साइन इनवर्स 3/5, साइन भी 3/5 है, इसी तरह कॉस भी 4/5 आ जाएगा। अब फ़ायदा क्या हुआ, मेरे पास साइन ए की वैल्यू आ गई, कॉस ए की, साइन बी की, कॉस बी की, जेड को मैंने ए प्लस बी माना था, ठीक है, ये पूरा ए हो गया था, ये बी हो गया था, इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। अब अगर मैं किसी तरह जेड की वैल्यू निकाल लूँ तो देखा जाए वो इसके बराबर आ जाएगी। अब मुझे एक मसला है, यहाँ कॉस इनवर्स ख़त्म करना है तो मैं दोनों साइड पर ना कॉस ले लूँगा, कॉस जेड, ठीक है, इक्वल टू कॉस ए प्लस बी, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला जो कि होता है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब कॉस ए की वैल्यू अभी हमने निकाली है 36/85, कॉस बी की वैल्यू भी निकाली है 4/5, माइनस फार्मूले का साइन ए की वैल्यू 77/85 और साइन बी की 3/5, सब पुट कर दो, पूरा सॉल्व करेंगे ना कॉस जेड आ जाएगा 87/425, ये कॉस इधर आगे इन्वर्स हो जाएगा। और देखो जेड बेसिकली मैंने ए प्लस बी माना था और ए ये था मेरा, यानी लेफ्ट हैंड साइड मेरी जेड हो गई थी, इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई, यानी प्रूफ हो गया। काफ़ी टेढ़ा क्वेश्चन है ये।